अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स का मतलब है कलेक्शन, फैक्ट्स में आ जाता है डेटा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक बंदे की हाइट, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। अगर हम कहते हैं 100 स्टूडेंट्स की हाइट या 10 स्टूडेंट्स की हाइट, तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगा। क्यों? क्योंकि स्टैट्स में हमारे पास एक डेटा की कलेक्शन होती है। ठीक है, अब ज्यादा बंदों की हाइट क्या होगी? कलेक्शन होगा डेटा का। और एक बंदे की हाइट, वो एक डेटा होगा ना, डेटा का कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कोई भी डेटा जो है उसका कलेक्शन होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा आता है स्टैट्स में। सेकेंड है कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। इसमें आता है कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो बहुत सी चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गुड्स की प्राइजेस, हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं उनकी प्राइस ले लेते हैं। अब हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमने क्या डाटा कलेक्ट किया है? कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस। अब वो जो प्राइस है वो किस चीज़ पर अफेक्ट कर रही है? सप्लाई और डिमांड से हमारे पास प्राइस आती है। अगर तो डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस हाई होती है। अगर डिमांड कम है तो प्राइस हम ज़्यादा रखते हैं। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस हम कम रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टैट्स, हमने किस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया है? हमने डाटा कलेक्ट किया है चीज़ों की प्राइसेस का। अब वो जो प्राइसेस हैं वो बहुत सी चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, एक से ज़्यादा चीज़ों से अफेक्ट हो सकती हैं। यहाँ पर वो किससे अफेक्ट हो रही है? डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट हो रही है। एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चे की हाइट उसके दोनों पेरेंट्स की हाइट से अफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि जो हमने डेटा की कलेक्शन की है वो एक से ज्यादा चीजों से अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अगर हम स्टैट्स में ना क्वालिटेटिव टर्म्स नहीं आते, गुड बैड ये चीजें, स्टैट्स में सारा ये मैथमेटिकल साइंस है, इसमें सारी मैथ आती है। ठीक है, तो स्टैट्स क्या होती है? न्यूमेरिकली हम जिन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं वो स्टैट्स होती है। अगर हम कोई वर्ड्स यूज करें, क्वालिटेटिव टर्म्स यूज करें, तो हमारे पास स्टैट्स में नहीं आते। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक सर्वे लिया है कि हमने सर्वे में कहा है कि हमारी इस प्रोडक्ट को आप 1 से 10 तक रेटिंग करें। लोगों ने रेटिंग किया है, अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा आ गया इस चीज़ का। हमने वहाँ से देख लिया कि हमारे प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग सबसे हाई मिली। अगर उसकी हाई रेटिंग 9 या 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये हमने रेटिंग, उन्होंने रेटिंग दी थी, तो ये हमारे पास स्टैट्स में आएगा, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सपर्ट। और अगर रेटिंग की जगह मैं लिखती कि आप गुड बैड वर्ड्स यूज करके बताएं कि आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं, तो वो स्टैट्स में नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। अब अगर हमने किसी बच्चे की हाइट मालूम करनी है, तो वो हाइट हम सेंटीमीटर में मालूम करेंगे। अगर मीटर में मालूम करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगी। इसमें ये है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्यूमरेटेड का मतलब कलेक्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अब हाइट अगर आप फाइंड करें तो सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर आप दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें तो किलोमीटर में एक्यूरेट आएगा, वो सेंटीमीटर में एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक सर्वे लेना है, हम घर जा जाकर सर्वे ले रहे हैं और हमारी टीम है, तो हमने एरियाज डिवाइड करनी है कि ये बंदा इस एरिया में जाके सर्वे लेगा, ये बंदा इस एरिया में जाके सर्वे लेगा। इससे क्या होगा कि डाटा डुप्लीकेशन नहीं होगी। अगर हम एरियाज डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक से हो सकता है कि एक से ज्यादा बंदे एक ही जगह से जाके डाटा कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो डाटा जो आपने कलेक्ट करना है वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हमारा डाटा सही से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग आ जाती है इसके अंदर। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद द डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन व्यू। हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करने के पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होगा। अगर कोई मकसद नहीं है, हम ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि हमने लोगों को कहा कि हमारे इस प्रोडक्ट को रेटिंग करें, तो ये डेटा कलेक्ट करने के पीछे हमारा क्या मकसद था? हमारा ये मकसद था कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहे थे। ठीक है, डेटा कलेक्शन के पीछे हमेशा हमारा कोई
बस होता है, फिर मकसद होता है, मकसद के बगैर हम कभी डाटा कलेक्ट नहीं करते, और अगर कर भी लें तो फिर उस डाटा को कोई फायदा नहीं होता। लास्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा है कि स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उन दोनों हम अपने डाटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्यों?